फैसला इक्तदार इंतहा है खुदावर। तेरे समान ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है प्रभु। तू अकेला योद्धा है जो तमाम कायनातियों पर हुकूमत करता है और तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता खुदा। खुदावर जितने लोग तेरी हजूरी में बैठे हैं हर एक को आपके सामर्थ्य और जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं सदा। आज की आराधना किसी टैलेंट के साथ नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी मर्जी के मुताबिक होने लगी। आमीन हालेलुया। खुदावन सुनने वाले लोग छुटकारे को ग्रहण करें खुदावन। यस जीसस। आपके अभिषिक्त दास के लिए, उनके परिवार के लिए आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। अनुग्रह करें खुदावन, इनकी मिनिस्ट्री को उसी समान बढ़ाएं खुदावन जैसे आपने अब्राहम की संतान को तारों के समान बढ़ाया। खुदावन ये मिनिस्ट्री यहीं तक सीमित ना रहे। खुदावन तेरा कलाम कहता है जो तुम जमीन पर खोलोगे वो मैं आसमान पर खोल दूंगा। हम चारों दिशाओं के रास्ते इस मिनिस्ट्री के लिए खोल देते हैं। हम पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को खुदावन के नाम से खोलते हैं। आपका अनुग्रह एक एक जन के साथ बना रहे। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you.
Thank you.
आराधना करें। इस जगह के ऊपर खुदावंद ने मूसा से एक बड़ी अच्छी बात कही। जब आगे लाल समंदर और पीछे मिस्री फौजें थी, खुदावंद ने कहा, मूसा जिन मिस्री फौजों को तू आज पीछे देख रहा है, इनको आखिरी बार देख ले, आज के बाद इनको कभी नहीं देखा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो मिस्री फौजें जो है हम लोगों के ऊपर हावी है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो मुश्किल की है, चाहे वो किसी हालात की है, लेकिन आज जब हम आराधना कर रहे हैं तो एक मन होकर खुदावन की प्रस्तुति करें विश्वास के साथ। आज उन मिस्री फौजों को, उन बीमारियों को, उन हालातों को एक बार पीछे मुड़ के देख ले, आज उनका आखिरी दिन है। हालेलुया। एक बार इस बात को कहें, वो ही पानी जो डराता था और रसता भी न देता था, वो ही पानी जो I'm not afraid of the dark.
Bye.
करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हुए यीशु नासरी तेरे पवित्र कदमों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। बीते हुए सारे हफ्ते में आपने हमें एक एक को संभाल के रखा, एक एक के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखा मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब तक तेरे बच्चों ने तेरी स्तुति आराधना करी, होने दो मेरे परमेश्वर इन बच्चों को दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम इस लायक भी नहीं थे जिस लायक तूने बनाया, तूने अपना बेटा बेटी बनाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम पिता परमेश्वर लोगों के लिए प्रार्थना करते, बीमारों के लिए, लाचारों के लिए, दुखियों के लिए, बेसहारों के लिए, विधवाओं के लिए प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। सबके ऊपर तेरा अनुग्रह तेरी कृपा हमेशा बनी रहे। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के वचन के ऊपर तेरी बरकत तेरी आशीष चाहते हैं, तेरे दास के ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं का सुनने वाला उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो फोन के माध्यम पिता परमेश्वर और टीवी के मध्य पिता परमेश्वर जो तेरे वचन को सुनते तेरे कलाम को सुनते पिता परमेश्वर, उन तमाम परिवारों के ऊपर तेरी बरकत तेरी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया।